स्टूडेंट्स, वेलकम टू संतोष सर क्लासेस। एंड आज का ये वीडियो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल द एमकॉम स्टूडेंट्स। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ यू विल प्रिपेयर एंड सबमिट द फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ द सिनॉप्सिस। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये एनेक्चर वन है जो वन ऑफ माई स्टूडेंट की अप्रूवल अभी उनको मिली है। एंड ये लेटर आपको इग्नू से मिलता है along with this, this is the project proposal number and ये उनका annexure 1 था which was approved and here you can see कि जो approved जो approval मिलता है कुछ इस तरीके से मिलता है आपको IGNU की तरफ से। and ये जो box आप यहाँ पे this particular box, तो यहाँ पे synopsis approved supervisor, यहाँ पे दो column है synopsis and supervisor I mean guide का। तो अगर सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया तो यू विल सी दैट देयर इज अ यू नो अप्रूव्ड साइन। फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट बनाने के पहले एक बार देख लेते हैं कि IGNU की गाइडलाइंस क्या हैं। एंड हियर जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिसर्टेशन, एंड यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें आपको रखनी है। तो इसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो लेंथ है, नंबर ऑफ पेजेस दैट शुड बी 60 to 80 पेजेस, डबल स्पेस होना चाहिए। एंड इसकी जो रिपोर्ट की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यू नो 10 पॉइंट्स हैं, 10 हेडिंग्स आपको रखनी है, जैसे इंट्रोडक्शन, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन रिसर्च मेथडोलॉजी, देन रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, समरी एंड कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, इम्प्लीकेशन, लिमिटेशन, रेफरेंसेस एंड एनेक्चर्स। एंड जैसे कि यहाँ पे हम लोग सिनॉप्सिस में भी लिखते हैं इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये आपको वहाँ से एक तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाएगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी, नाउ यहाँ पे ये मेन एक्चुअली मेन मास कैरी करता है ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसमें आपको यहाँ पे रेशनल के बारे में लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कोप ऑफ द स्टडी, ये सारी चीज़ें लिखनी है। देन रिसर्च डिजाइन, देन नेचर एंड सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, सैम्पल एंड सैम्पलिंग मेथड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं। जो भी क्वेश्चनर आप यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए वो भी यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको मैंशन करने हैं। एंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टूल्स, ये एक्चुअली स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं ये तीनों जो आपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज किया है, तो वो भी आपको मेंशन करना है रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ओके, देन कम्स रिजल्ट एंड डिस्कशन। इसके बारे में यहाँ पे आपको बेसिकली टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी आपने रिसर्च किया है उसके आप यू नो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम्स, तो ये यहाँ पे आपको इंसर्ट करने हैं इन रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। उसके बाद में आ गई समरी एंड कंक्लूजन, यहाँ पे एक दो पेज आप इसके बारे में लिख सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं एंड इम्प्लीकेशंस लिख सकते हैं, लिमिटेशंस, बाकी ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो यू नो राइट वन कवर पेज, एंड कवर पेज में आपका प्रोग्राम का कोड होना चाहिए, टाइटल ऑफ द कोर्स होना चाहिए, एंड आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर एंड गाइड का नाम, एंड वो कहाँ पे पढ़ाते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। आफ्टर दिस द सेकंड पेज विल बी टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो लाइक दैट। ओके फ्रेंड्स, ये है डमी प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे जैसे कि दिस इज द फ्रंट पेज जहाँ पे आपको IGNU का नाम लिखना है, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखेंगे। ओके, सो रिमूव दिस सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एंड हियर यू विल राइट द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर दिस योर नेम, यहाँ पे योर नेम, योर एनरोलमेंट नंबर एंड आपके गाइड का नाम, और वो कहाँ पे, कौन सी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उसके बारे में लिखना है। देन लेट्स मूव ऑन टू टेबल ऑफ कंटेंट्स। नाउ ये कंटेंट है जो आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू द IGNU गाइडलाइंस। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहला जो आपका चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन, इसके बाद में लिटरेचर रिव्यू, चैप्टर 3 इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, लाइक रेशनल, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऐड कर सकते हैं, रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं, ऐड नेचर एंड सोर्सेज ऑफ डेटा, सैम्पलिंग मेथड्स एंड द टूल्स यूज्ड। तो मैंने यहाँ पे जैसे इस प्रोजेक्ट में क्वेश्चनर यूज किया है, तो आई विल मैंशन द प्रोजेक्ट, द क्वेश्चनर अलॉन्ग विथ दिस, पेज नंबर आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज द चैप्टर नंबर। आफ्टर दिस चैप्टर 4 रिकमेंडेशन, चैप्टर 5 इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी, एंड चैप्टर 6 इज लिमिटेशंस,
चैप्टर 7 में आप फ्यूचर रिसर्च एजेंडा लिख सकते हैं, एंड चैप्टर 8 में आप समरी एंड कंक्लूजन लिख सकते हैं, एंड चैप्टर 9 रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, एंड लास्टली द एनेक्सचर्स। तो एनेक्सचर्स में जैसे मैंने यहाँ पे रिपोर्ट में क्वेश्चनर यूज किया है, तो वी कैन मेंशन अबाउट द एनेक्सचर्स। नाउ दिस इज द चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन वाली पार्ट हो गई, कम से कम 2-3 पेज। देन लिटरेचर रिव्यू, इसको APA स्टाइल में लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन कम्स रिसर्च मेथडोलॉजी, यहाँ पे रेशनल ऑफ द टॉपिक। देन वी हैव स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, एंड उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे 5-6 जो भी आपने सिनॉप्सिस में लिखे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन कम्स सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, सो इसके बारे में आपको ब्रीफ करना है कि वाई दिस स्टडी इज इम्पॉर्टेंट। एंड इसके बाद में आपको एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ दैट। एंड सो कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, कंटेंट्स, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, सो दैट क्योंकि आपको 60-80 पेजेस तक का प्रोजेक्ट बनाना है, तो यू हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ कंटेंट्स इन दिस पार्ट। ओके, आगे देखते हैं। दिस इज द नेचर एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। तो यहाँ पे आपको जैसे ये डू नॉट ट्राई टू कॉपी एंड पेस्ट ऑल दिस। तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, एंड देन वी हैव सैम्पल एंड सैम्पलिंग मेथड्स टेक्निक्स जो भी आपने यूज़ किया है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन एनालिसिस ऑफ डेटा, नाउ दिस इज द क्वेश्चनर यूज्ड, ये भी आपको ऐड करनी है इधर। एंड ये कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चनर बनाना है, एंड मिनिमम 10-15 क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं अलॉन्ग विद द ऑप्शंस। एंड दिस इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टूल्स यूज, जो भी टूल्स यूज किया है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है तो वो भी मैंशन करनी है। दिस इज चैप्टर 4 रिकमेंडेशंस। तो इसको भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, मिनिमम 10-15 पॉइंट्स आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। देन वी हैव चैप्टर 5, यहाँ पे आपको लिखना है इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी, इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीकेशंस या इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। ओके, then we have you can add few diagrams so that it looks more attractive. and chapter 6 again limitations of the study, jahan pe aapko is project ki limitations ke bare mein highlight karni hai, to it may also take 10-15 points. chapter 7 research, future research agenda, is research se future mein aur kya help mil sakti hai researchers ko to prepare or to modify this. एंड देन यू कैन चैप्टर 8 में आप कंक्लूजन एंड समरी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके जो फाइंडिंग्स हैं इस रिसर्च से, सो यू मस्ट कंक्लूड दैट। ओके, फ्यू डायग्राम्स ऑल्सो यू कैन ऐड हियर। एंड चैप्टर 9 में है रेफरेंसेस, सो दिस रेफरेंसेस शुड बी ऑल्सो इन APA स्टाइल। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी है। एंड लास्टली एनेक्सचर्स चैप्टर 10, एंड यहाँ पे जैसे कि हमने क्वेश्चनर यूज़ किया है तो वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लाइक दिस यू शुड प्रिपेयर द फाइनल प्रोजेक्ट। एंड ध्यान में रखें कि ये डबल स्पेसिंग में होने चाहिए, एंड जो लेटर है, लेटर शुड बी ऑफ 12 फॉन्ट साइज, एंड टाइम्स रोमन में करें, ज़्यादा बेटर है। सो एंड फाइनली, लाइक आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस, वन कॉपी शुड बी सेंट टू द रीजनल सेंटर, द अदर टू दिल्ली हेड ऑफिस विच इज देयर इन द इन द इग्नू गाइडलाइंस। एंड लाइक बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी कन्फ्यूजन है अबाउट इवेल्युएशन फीस की। सो आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल, यू देर इज अ लिंक विच विल शो यू हाउ टू डिपॉजिट द फीस। तो वो फीस की रसीद भी आपको फाइनली रिपोर्ट के साथ में अटैच करनी है, अलॉन्ग विद द अप्रूव्ड सिनॉप्सिस आपको प्रोजेक्ट जमा करना है, एंड एनेक्सचर 2 एंड एनेक्सचर 3। तो ये दो एनेक्सचर्स भी प्रोजेक्ट के साथ में आपको सबमिट करने हैं। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, एंड आई होप कि ये इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।